हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, अभी मैं देख के आ रहा हूँ एक कन्नड़ा मूवी जिसका नाम है विजय आनंद। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ की मुश्किलें बहुत ज़्यादा लगती है और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में इतनी मुश्किलें हैं इस वजह से मेरी तरक्की नहीं हो पा रही है, तो सब कुछ छोड़ो और ये मूवी देख के आओ। ये सच में आपको इंस्पायर करेगी और सोचने पे मजबूर करेगी कि आप अपने लाइफ में बेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। और ऐसा ही कुछ महसूस मुझे हुआ जब मैंने ये मूवी देखी। ये स्टोरी जितनी इंस्पायरिंग थी उतनी ही खूबसूरती के साथ इस मूवी को बनाया गया है। तो स्टोरी है विजय शंखेश्वर की, जिसने अपने पापा के साथ चल रहे प्रिंटिंग बिजनेस को छोड़ के एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया और अपनी मेहनत से 4,300 व्हीकल का ओनर बन गया। और अपने सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अलावा उसने एक न्यूज़पेपर को भी शुरू किया जिसे उसने कर्नाटका का नंबर वन न्यूज़पेपर बना दिया। तो विजय शंखेश्वर का रोल प्ले कर रहे हैं निहार राजपूत और उनके फादर का रोल प्ले कर रहे अनंत नाग सर, और विजय के बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं भारत बोपन्ना। तो चलो यार, बात करते हैं कि मूवी में मुझे क्या पसंद आया। तो पहली चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई वो थी इस मूवी की स्टोरी। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग थी, और क्योंकि ये रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी तो एक्सपीरियंस भी बहुत रियल हो जाता है। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस मूवी की वो था इसका स्क्रीन प्ले। और स्क्रीन प्ले को इस तरीके से लिखा गया कि आपको बोर नहीं होने देता। विजय शंखेश्वर की जर्नी को बहुत ही बखूबी तीन हिस्सों में दिखाया गया है। पहला, विजय ने कैसे अपने फादर के साथ मिलकर प्रिंटिंग बिजनेस को ग्रो किया। दूसरा, विजय ने कैसे ट्रांसपोर्ट बिजनेस को शुरू किया और अपनी मेहनत से उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया। तीसरा, कैसे विजय ने एक सक्सेसफुल बिजनेस होने के बावजूद एक न्यूज़पेपर को खोला और उसे नंबर वन बना दिया। मूवी बहुत ही खूबसूरती से इन तीनों हिस्सों को दिखाती है। और तीसरी चीज जो मुझे इस मूवी की बहुत अच्छी लगी वो थी एक्टिंग। निहाल सिंह ने बहुत ही अच्छी तरीके से विजय शंखेश्वर का रोल प्ले किया है। उन्हें पता था कि कहाँ पे उनको इमोशनल होना है, कहाँ पे उनको एग्रेशन चाहिए और कहाँ पावरफुल डायलॉग चाहिए। उन्होंने बखूबी इन सब चीजों को इस मूवी के अंदर करके दिखाया है। अनंत नाग सर ने विजय शंखेश्वर के फादर का रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है। उनके कैरेक्टर में एक ठहराव था और उनके इमोशन आप उनके आंखों से देख पा रहे थे। और इनके अलावा सभी लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रखी है। और चौथी चीज जो मुझे इस मूवी की बहुत अच्छी लगी वो था इसका म्यूजिक। क्योंकि एक इंस्पायरिंग मूवी है और हमारा कैरेक्टर बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखता है, तो काफी जगह पे जहाँ वो अपना एग्रेशन दिखाता है वह बहुत ही अच्छी तरीके से जोशीला बीजीएम डाला गया था, और जहाँ वो इमोशनल हो जाता है वहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इमोशनल म्यूजिक डाला गया था। और ओवरऑल म्यूजिक इस मूवी का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है। तो ये थे मेरे थॉट्स इस मूवी को लेके। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो थिएटर में जाके देखो यार। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।